हृदय और बुद्धि का संतुलन जिसमें हो वो काम करो, उससे आपका कल्याण होगा। केवल बुद्धि के पीछे मत दौड़ो, केवल हृदय के पीछे मत दौड़ो। हृदयहीन बुद्धि जो है वो आपके जीवन को बैरन बना देगी और बुद्धिहीन हृदय जो है वो आपके जीवन को कायर बना देगा, कुंठित बना देगा, आपको बहुत ही दुखद स्थिति में ढकेल देगा। इसलिए हृदय और बुद्धि का संतुलन होना परम आवश्यक है, इसी का नाम योग है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जो बुद्धि की ही प्रधानता स्वीकार करता है, वो सांख्य दर्शन है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जो हृदय की ही प्रधानता स्वीकार करता है, उसको भक्ति मार्ग ही कहते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग सुना होगा, भारत में ज्ञान मार्ग ही संप्रदाय है, एक भक्ति मार्ग ही संप्रदाय है। लेकिन हम इन दोनों में से किसी को प्रश्रय नहीं देते। हमारा मार्ग एक तीसरा है जिसको हम कहते हैं समन्वय मार्ग। और समन्वय मार्ग में क्या है, हृदय और बुद्धि का संतुलन, जहां हृदय का भी स्थान है और बुद्धि का भी स्थान है। यदि पूर्ण जीवन जीना है तो भगवान कृष्ण के बताए हुए गीता के अनुसार हृदय और बुद्धि को संतुलन रखो, उसमें संतुलन होगा तुम्हारा जीवन उन्नत बन जाएगा। और उसके लिए अनेकों व्यवस्था दी गई है शास्त्रों में, उन व्यवस्थाओं को समझो जिससे हृदय भी उन्नत हो और बुद्धि भी तुम्हारी शुद्ध हो। लेकिन उसमें क्रम है, पहले बुद्धि है, फिर हृदय है, फिर हाथ है। गीता के श्लोक में भगवान ने बात समझाई है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भाव यथा शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जो अयुक्त है उनके बुद्धि नहीं होती, जिनके बुद्धि नहीं होती उनके भावना नहीं होती, हृदय नहीं होता। और जहां हृदय नहीं है वहां शांति नहीं होती, जहां शांति नहीं वहां सुख कहां से मिलेगा। सुख तो चाहते हो ना, तो सुख मिलेगा शांति से, और शांति मिलेगी सद्भावना से, सद्भावना आएगी सद्बुद्धि से, और सद्बुद्धि मिलेगी परमात्मा से एक होने। यही सनातन धर्म का मार्ग है और यही प्रशस्त मार्ग है जिसमें तुम्हारा जीवन पूर्ण बने, पूर्ण जीवन बिताओ, अधूरा जीवन न पकड़ो। वन साइडेड मत बनो, वन साइडेड बनोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। एक बात, दूसरी बात और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज तीन दिन से यहां पर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। यदि मेरे से कोई पूछे कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के जीवन विज्ञान का मूल एक शब्द में कहो, तो मैं कहूंगा यज्ञ। यज्ञ से बड़ा और कोई शब्द नहीं। भगवान ने गीता में दो बातें समझाई, यज्ञार्थात कर्मणो नत्र लोको अयम कर्म बंधनम। का देखिए, कर्म बंधन में कारण होते हैं और कर्म मुक्ति में कारण होते हैं। तो उनसे पूछा गया कौन सा कर्म मुक्ति में कारण होता है और कौन सा बंधन में कारण होता है। तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ धातु के तीन अर्थ होते हैं, देव पूजन, संगत कर्म और दान। इन तीनों को मिला करके यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। और जहां पर ये तीनों कर्म होते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। पहले तुम देवताओं का चिंतन करो, दिव्य शक्तियों का चिंतन करो, और चिंतन करके तुम उन शक्तियों को संगठित करो, एकत्र करो, बिखेरो मत। संगत कर्म है उनका संगठन, और फिर उसका लोक हित में समर्पण दान, फिर तुम कहो जाओगे तुम यज्ञ किया। यज्ञ माने यज्ञ देव पूजा है, पहली शब्द है। और जितने देवता है, समस्त देवताओं का मूल स्रोत इस पृथ्वी पर जो है वो ये सूर्य नारायण है, समस्त देवताओं का मूल स्रोत। जितने देवता है सब इसी से प्रकट हुए हैं, याद रखो। अग्नि देवता सूर्य से, वायु देवता सूर्य से, वरुण देवता, जल देवता सूर्य से, ये पृथ्वी देवता सूर्य से, ये दिव्य देवता सूर्य से, ये दिशा देवता सूर्य से, ये चंद्रमा देवता सूर्य से। ये तो आप जानते हो, ये जितने देवता है, 12 देवताओं का नाम है यजुर्वेद में, जहां पर हम देवताओं के स्मरण में मंत्र का प्रयोग करते हैं। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, वातो देवता, पृथ्व्या देवता, वरुण देवता आदि, वहां 12 देवताओं का नाम है। और ये सारे के सारे देवता किसे हैं, सूर्य से।
ये सूर्य ना हो तो सब देवता सा, या कोई देवता नहीं होगा। अच्छा आप लोग जानते हो यदि सूर्य ना हो तो चंद्रमा होगा क्या? क्या है आप लोग? नहीं होगा। ये चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का ही है। या सूर्य लोग की पृथ्वी होगी? अरे राम राम, इसका तो पता ही नहीं चलेगा बेचारी का। और सूर्य ना हो तो यहाँ वायु होगा? होगी नहीं होगी। वायु की भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये वायु जो है सूर्य से, ये प्राण शक्ति सूर्य से है, ये ऑक्सीजन सूर्य से है। फिर तो सूर्य ना हो क्या जल होगा? क्या क्या वो भी नहीं होगा? सूर्य के बिना जल कैसे हो सकता है? सूर्य की रश्मियों से ही तो जल की अभिव्यक्ति होती है। तो सूर्य के बिना यहां कोई देवता नहीं हो सकते। संपूर्ण देवताओं का स्रोत सूर्य है, इसलिए सूर्य को नारायण कहते हैं। किसी देवता को नारायण नहीं कहते। अग्नि नारायण नहीं, वायु नारायण नहीं, जल नारायण नहीं, नारायण कौन है? सूर्य नारायण है। ये सूर्य जो है परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। श्री राम संवाद में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान राम के चरणों में उपस्थित होकर के प्रार्थना की कि प्रभु आप बताइए सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता कौन है? भगवान राम ने कहा ये भास्कर, ये सूर्य, यही सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता है, बाकी देवता सब इनके सहारे। लेकिन याद रखो ये सूर्य जो देव है, प्रत्यक्ष देव है, ये किसी अप्रत्यक्ष शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसीलिए वेद में बताया गया द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, उस परमात्मा के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो कहते हैं परमात्मा का मूर्त रूप नहीं होता, उनको इस मंत्र को पढ़ लेना चाहिए कि भाई द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, इसका क्या अर्थ करोगे तुम? अग्नि क्या है? परमात्मा का मूर्त रूप है। ये सूर्य क्या है? परमात्मा का मूर्त रूप है। और ये कहां से पैदा होता? अमूर्त से पैदा होता है। जहां से प्रकट हो रहा है वो अमूर्त है, अमूर्त से ही मूर्त पैदा हुआ है। और ये मूर्त जो है ये पूरा अमूर्त में ही लीन हो जाता है, ये तो जानते हो। लेकिन क्या ऐसा कभी समय आएगा जब सब मूर्त समाप्त हो जाए, केवल अमूर्त रह जाए? कहा ऐसा कभी समय नहीं आने वाला, कोई समय ऐसा नहीं आने वाला जबकि मूर्त सारे समाप्त हो जाए, केवल अमूर्त रह जाए। ये मूर्त और अमूर्त दोनों रूप परमात्मा के हमेशा बने रहते हैं, बात समझे? और ये जो परमात्मा का मूर्त रूप है, इसी मूर्त की तरफ संकेत करती है गायत्री। ये गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य से संबंधित है और परमात्मा के मूर्त रूप से संबंधित है, अमूर्त से संबंधित नहीं है, याद रखना। जो लोग गायत्री का जाप करते हैं और सोचते हैं किसका विषय निराकार परमात्मा है, वो बिल्कुल गायत्री के अर्थ से अनभिज्ञ है, नहीं जानते हो गायत्री का अर्थ। मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र के शब्दों को देख के उसमें क्या बताया गया है, ओम भूर्भुवस्व तत् सवितुर वरेण्यम। उस सविता का मैं वर्णन करता हूं, वो श्रेष्ठ सविता का, सविता माने, सविता माने प्रसविता, जिससे सारे देवता उत्पन्न हुए, जो सबका प्रसविता मैंने उत्पन्न करता है, उसका मैं वर्णन करता हूं, उसको मैं चयन करता हूं, उसका मैं ध्यान करता हूं। और उसके किसका ध्यान करते हो? आकाश का, निराकार का, बोले ना भर्गा देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गा, उस देव के प्रकाश का, ज्योति का। भर्गमाने, भर्गमाने होता प्रकाश, भर्गमाने होती ज्योति। अच्छा आपसे पूछा जाए कि प्रकाश साकार है या निराकार, क्या बताओगे? ज्योति जो है ये निराकार है या साकार है? साकार किसे कहते हो? वेद का तो मंत्र, अरे भाई ऋग्वेद के पहले मंत्र में यह बात समझाई गई है, अग्निम ईजे पुरोहितम। तो पूछा गया पुरोहितम माने क्या होता? कहा पूरा हितम, पुरोहितम जो सामने दिखाई दे रहा है सारे रूप में, पूरा माने सामने, हितम माने उपस्थित, जो आपके सामने सारा दिखाई दे रहा है ये क्या है? कहा अग्निम ई, अग्नि, ये सारा अग्नि है। और अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हाँ ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये सब अग्नि का परिणाम है। अग्नि माने एनर्जी, अग्नि को एनर्जी को बात देख लिए, एनर्जी का इलेक्ट्रिक वेव चलते हैं, इलेक्ट्रिक वेव उसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेव कहने में और आपको अग्नि की तरह कहने में क्या अंतर पड़ता है?
वेद में बताया गया अग्नि के तीन रूप है, देव अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि और मर्त अग्नि। यहाँ जो लकड़ी के माध्यम से जलाते हो मर्त अग्नि है, और जो इस स्पेस में विद्युत तरंग उठ रही है ये अमृत अग्नि है, और इसका स्रोत जो सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है वो दिव्यलोक का नित्य अग्नि है, दिव्य अग्नि है। ये तीन प्रकार की अग्नियों का वेद में वर्णन है, क्या समझे? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि गायत्री मंत्र में भर्गा देवस्थ धीमहि, ऋषि कहता है मैं उस देव के, सवित्री देव के, जगत को उत्पन्न करने वाले देव के तेज का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करता हूँ, किस लिए ध्यान करता हूँ? धीरो योजना प्रचोदयात, हमारी बुद्धियों को प्रेरित कर। एक बात याद रखना, ये गायत्री मंत्र जो है ये सामूहिक प्रार्थना है। सामूहिक प्रार्थना माने जहां सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं, अकेले भी की जा सकती है, अकेले भी आप प्रार्थना कर सकते हो भगवान से कि सबकी बुद्धियों को आप प्रेरित करो। लेकिन ये ना शब्द का जो प्रयोग है, ना माने हम सब, ये जो दूसरा मंत्र में बोलता हूं ना, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुर ये भद्रम तन्न आसुर, इसमें भी ना शब्द है, इसका भी यही सामूहिक प्रार्थना है। वेद के मंत्रों में आपको व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हो, क्योंकि ऋषि स्वार्थी तो थे नहीं, वो तो परमार्थी थे, और वो सृष्टि को अपना आत्मा रूप में देखते थे, इसलिए वो अपने लिए क्यों प्रार्थना करते? इसलिए परमात्मा से जहां भी कई प्रार्थना है वेद में, वो सामूहिक प्रार्थना है, समष्टि के हित की प्रार्थना है। इसलिए इस मंत्र में है भर्गा देवस्य धीमहि, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के तेज का, ज्योति का मैं ध्यान करता हूं, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और इसमें सविता देवता के प्रकाश के ध्यान की व्यवस्था है, और उन्हीं से प्रार्थना की गई है बुद्धियों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि बुद्धि के वही अधिपति है। तो ये मंत्र कौन जपे भाई? क्या जिसको लोक कल्याण की कामना हो, और कौन जपे? क्या जिसको शुद्ध बुद्धि पाने की इच्छा हो, जो भी शुद्ध बुद्धि पाना चाहता है वो इस परमात्मा के मंत्र को जप सकता है, क्योंकि परमात्मा एक का नहीं है, वो सब का है। क्या समझे? हमारे यहां आज मैंने जो सायंकाल को रेडियो पर व्याख्यान दिया, उसमें भी मैंने बताया कि भाई हमारे यहां सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बड़ा विलक्षण समझाया गया है, आप लोगों को बता देता हूं, समझ लो जरा। उसमें यह बात समझाई गई है कि वह परमात्मा अपने आप को एक बृहद अंडे के रूप में प्रकट करता है, हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं, और फिर उसके दो भाग होते हैं, तो आधा आधा उसका दिव बनता है और आधा उसकी पृथ्वी बनती है। वेद में पढ़ लेना, देव और पृथ्वी ये दोनों स्वाद आधार पृथ्वी ध्यान होता है, वही पृथ्वी और दिव दोनों का आधार बना, एक ही तत्व दो भागों में विभक्त हो गया, आधा पृथ्वी बन गया आधा दिव बन गया, इसलिए दिव को पिता कहते हैं और पृथ्वी को माता कहते हैं। अच्छा, इसी बात को मनुष्य स्मृति में बताया कि एक अंडा पैदा हुआ वो दो भागों में फट गया, आधा स्त्री बन गई आधा पुरुष बन गया, आधे को शत्रुपा करते हैं और आधे को मनु करते हैं। समझे? यही बात आज का वैज्ञानिक कह रहा है कि एक सेल जो है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, आधा उसमें फीमेल बन जाता है आधा मेल बन जाता है। आज का वैज्ञानिक ये कह रहा है कि मेल और फीमेल एक ही सेल के दो भाग हो जाते हैं, इसलिए सृष्टि में जितने पदार्थ हैं सभी पदार्थों में मेल भी है फीमेल भी है। एक जो अन्न है ना, अन्न में दो भाग होता है और उसमें एक भाग फीमेल है दूसरा भाग मेल है। हर एक चीज में, एवरी चीज हैज टू पार्ट एंड वन पार्ट इज रिलेटेड विद मेल एंड अदर पार्ट इज रिलेटेड विद फीमेल। काहे सृष्टि का सारा क्रम है, जब मेल फीमेल एक ही के दो भाग हैं, भले आदमी हे बुद्धि के धनी इस सत्य को समझो, जहां मेल और फीमेल एक ही के दो भाग हैं, तो मेल को भगवान की उपासना करो, फीमेल न करे, कौन सा कानून बताता है तुम्हारा? अरे कुछ तो बुद्धि लाओ। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं
स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, उन्हें वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई याद रखो, जिस जाति की माँ अज्ञानी होगी उसकी संतान कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। जिस जाति में स्त्रियां निर्बल होंगी, अज्ञानी होंगी, अंधविश्वासी होंगी, वो कैसी संतान में जन्म देंगी? क्या बताओ तो? क्या आप देखते रहिए रामायण में मनु के साथ शत्रुपा भी तपस्या करती है, और भगवान मनु से पूछ करके शत्रुपा से भी पूछता है तुम्हें क्या चाहिए बताने में? क्या आप देखते नहीं कि जब वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि वासुदेव पद पंकज दंपत मन अभिलाष, तो वहां पर ये कह रहे हैं द्वादश अक्षर मंत्र पूरी जपरी दैत अनुराग। ये वेद का द्वादश अक्षर मंत्र केवल मनु जप रहे थे कि शत्रुपा भी जप रही थी? क्या है